जो व्हाट्सअप गाइज उस टाइप की फोटो को एडिट करने से पहले आप लोग सिंपल से अपनी गैलरी से ओरिजिनल फोटो को ले लीजिएगा और लेने के बाद सिंपली इसकी शेयर के आइकन पे आप लोग क्लिक करके इस फोटो को लाइटरूम के अंदर शेयर कर दीजिएगा। और मैं सीधे लाइटरूम ऐप को ओपन करता हूँ, वहाँ पे आपको सारी प्रोसेस बताता हूँ। सो व्हाट्सअप गाइज जैसे ही आप लोग लाइटरूम ऐप को ओपन कीजिएगा तो आप लोग के सामने कुछ इस टाइप की इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो सिंपल से ऑल फोटोज के आइकन पे क्लिक करके अपनी फोटो को सिलेक्ट करके ओपन कर लीजिएगा। और गाइज इसी फोटो को हम लोग एडिट करने वाले हैं और आपका भाई बहुत ही आसान तरीका बताने वाला है। और वीडियो के एंड में ना आपका भाई कुछ इस टाइप की फोटो को जस्ट ना वन क्लिक में भी एडिट करना सिखा देगा। तो वीडियो को आप लोग कंप्लीटेड देखिएगा। तो चलिए पहला स्टेप हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए सिंपल से आपको साइड में बहुत सारे ऑप्शंस मिलेगा, तो सबसे पहले आप लोग को इसके एडिट वाले ऑप्शंस पे क्लिक करना होगा। और जैसे ही आप लोग क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे भी आप लोग के सामने बहुत सारे ऑप्शंस मिलेगा। तो सबसे पहले आप लोग इसकी लाइट वाले आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा। कर लेने के बाद सबसे पहले इसकी कॉन्ट्रास्ट की वैल्यू आप लोग को इंक्रीज करके प्लस साइड में 24% करना होगा। हाईलाइट की वैल्यू पूरा डिक्रीज करके -100 कर दीजिएगा। शैडो की वैल्यू भी आप लोग ऐसे डिक्रीज करके माइनस साइड में 20% कर दीजिएगा। और इसकी वाइट्स की वैल्यू भी इंक्रीज करके प्लस साइड में इसे 30% करके पूरा नीचे आ जाइएगा। और नीचे आने के बाद इसकी ब्लैक्स की वैल्यू भी डिक्रीज करके माइनस साइड में 25 कर दीजिएगा। सिंपल से गाइस ये सारी सेटिंग आप लोग अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। और ये सेटिंग आप लोग जैसे ही कीजिएगा तो आपका पहला स्टेप कंप्लीट हो जाएगा। बहुत ही आसान था हम लोग का पहला स्टेप। अगर लेकिन आप दूसरे स्टेप को अच्छे तरीके से नहीं देखते हैं तो आप फोटो को एडिट नहीं कर पाएंगे। और वीडियो के एंड में आपका भाई जस्ट ना वन क्लिक में भी एडिटिंग सिखाने वाला है। तो सिंपल से दूसरे वाले स्टेप के अंदर हम इसकी कलर्स के आइकन पे क्लिक कर देंगे। कर लेने के बाद सबसे पहले इसकी टेम्प की वैल्यू इंक्रीज करके हम लोग प्लस साइड में यहाँ पे 30% कर देंगे। और इसकी वाइब्रेंस की वैल्यू भी इंक्रीज करके प्लस साइड में 30% कर देंगे। सिंपल से इसके टेंट की वैल्यू इंक्रीज करके प्लस साइड में 8% कर लेंगे। और इसके बाद आप लोग को कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आप लोग को ऊपर साइड में ना कोने में मिक्स टूल के आइकन पर क्लिक करना होगा। और क्लिक कर लेने के बाद कुछ इस टाइप की इंटरफेस आप लोग के सामने देखने को मिलेगा। तो बस आप यहाँ पे वीडियो को अच्छी तरीके से देख लीजिएगा, 110% आप फोटो को एडिट कर लेंगे। सिंपल से यहाँ से हम लोग पर्पल कलर को लेके इसकी सेचुएशन की वैल्यू डिक्रीज करके -100 कर देंगे। ह्यू की वैल्यू भी डिक्रीज करके -100 कर देंगे। यहाँ से ब्लू कलर को लेके इसकी भी सेचुएशन की वैल्यू डिक्रीज करके -100 कर देंगे। एक्वा ब्लू कलर को लेंगे और इसकी भी सेचुएशन की वैल्यू डिक्रीज करके -100 कर देंगे। सिंपल से गाइज इसके बाद आप लोग को कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आप लोग को ग्रीन कलर को लेके सेचुएशन की वैल्यू डिक्रीज करके -100 कर दीजिएगा। ह्यू की वैल्यू भी डिक्रीज करके -100 कर दीजिएगा। सिंपल से गाइज आप लोग को येलो कलर को लेना होगा और इसकी भी सेचुएशन की वैल्यू आप लोग को ऐसे डिक्रीज करके माइनस साइड में 32% करना होगा। और इसकी ह्यू की वैल्यू पूरा डिक्रीज करके -100 कर दीजिएगा। सिंपल से गाइज ये सारी सेटिंग कर लेने के बाद आप लोग को कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आपको ऑरेंज कलर को लेना होगा और इसकी सेचुएशन की वैल्यू डिक्रीज करके -26 कीजिएगा। और इसकी जो होता है ना लूमिनस, इसको इंक्रीज करके प्लस साइड में 28 कर लीजिएगा। सिंपल से गाइज ये सेटिंग कर लेने के बाद आप लोग डन क्लिक कर दीजिएगा। डन आप लोग जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो आगे आपको भाई कलर ग्रेडिंग सिखाने वाला है। और जो तरीका मैं फोटो एडिट करने का बता रहा हूँ वो पूरे यूट्यूब पे आज तक आपको किसी ने नहीं बताया होगा, तो वीडियो को आप लोग कंप्लीटेड देखिएगा। तो सिंपल से आप लोग को मिक्स टूल के बगल में ग्रेडिंग के आइकन पर टैप करना होगा, स्क्रॉल करके नीचे आना होगा। ब्लेंडिंग की वैल्यू 100% कीजिएगा, बैलेंस को इंक्रीज करके प्लस साइड में 34% करके और इसकी लुमिनस की वैल्यू ऐसे डिक्रीज करके -36 कर लीजिएगा। सिंपल से साइड में ऐसे स्क्रॉल करके मिड टोन में आइएगा और अपनी फिंगर से पकड़ के थोड़ा सा घसीट के आप लोग ऐसे ना ब्लू साइड में आ जाइएगा, जिसकी ह्यू की वैल्यू 210 रखिएगा, सिचुएशन को 43%। और सिंपल से हाईलाइट वाले सेक्शन में आके और अपनी फिंगर से पकड़ के ना ऐसे घसीट के आप लोग ब्लू साइड में कर दीजिएगा। कर लेने के बाद इसकी भी ह्यू की वैल्यू हम लोग 237 रखेंगे, सिचुएशन को 41%। थोड़ा सा इसे अच्छे तरीके से आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा, मैं यहाँ पे कर लेता हूँ। इसकी ह्यू की वैल्यू 237 रखूंगा, सिचुएशन को 32% और ऊपर आके मैं डन क्लिक कर दूंगा। डन क्लिक कर लेने के बाद गाइज हम लोग का दूसरा स्टेप भी कंप्लीट हो जाएगा। तो तीसरे स्टेप के अंदर आपका भाई फोटो को ना HD बनाने वाला है। तो उसके लिए साइड में ऐसे स्क्रॉल करके इफेक्ट के आइकन पे क्लिक करके और इसकी जो होता है ना टेक्सचर, इसको इंक्रीज करके प्लस साइड में 10%, क्लियरिटी की वैल्यू डिक्रीज करके -10, रियाइज की वैल्यू इंक्रीज करके प्लस साइड में 6% करके विग्नेट में चले आएंगे।
इसकी अमाउंट को हम लोग यहाँ से कम करके -36 कर देंगे और ये सेटिंग आप लोग जैसे ही कीजिएगा तो आप लोग का तीसरा स्टेप भी कंप्लीट हो जाएगा। बहुत ही आसान था हम लोग का तीसरा स्टेप और आपका भाई वन क्लिक में भी एडिटिंग सिखाएगा, स्काई में ब्लू कलर को ऐड भी करना बताएगा। तो वीडियो में आप लोग बने रहिएगा। तो चौथे वाले स्टेप के अंदर डिटेल्स के आइकन पे आके शार्पनिंग की वैल्यू को यहाँ पे हम लोग प्लस साइड में 26% करेंगे, मास्किंग की वैल्यू 44%, नॉइज में आएंगे, नॉइस रिडक्शन की वैल्यू इंक्रीज करके प्लस साइड में 26% करेंगे, कलर्स नॉइस में आएंगे और इसकी कलर्स नॉइस रिडक्शन को इंक्रीज करके 19% करके स्मूथनेस को 100% कर देंगे। और ये सारी सेटिंग गाइज आप लोग जैसे ही कीजिएगा तो सिंपली आप लोग का ना यहाँ पे कुछ इस टाइप की फोटो देखने को मिल जाएगी। तो ब्लू टोन को ऐड करने के लिए सिंपल से आपका भाई प्रोसेस ये है ना, तो आपको मास्किंग के आइकन पे आना होगा, प्लस के आइकन पे टैप करके पूरा स्क्रॉल करके नीचे आके कलर रेंज के आइकन पे टैप कर लीजिएगा। कलर पीकर को आप अपने स्काई में ऐसे रख के रिफाइन को यहाँ पे अच्छे तरीके से एडजस्ट करके अप्लाई पे क्लिक करके कलर्स के आइकन पे आ जाइएगा और पूरा स्क्रॉल करके नीचे के कलर एच को आप लोग ब्लू साइड में कर दीजिएगा। यहाँ पे ब्लू साइड में करके और यहाँ से आप लोग राइट क्लिक कर दीजिएगा। जस्ट नाउ आपकी पूरी फोटो एडिट होके आ जाएगी, जो देखने में काफ़ी ऑसम एंड फारसी दिख रही है। और मैंने इस वाले फोटो का जो प्रीसेट होता है ना वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, तो इजीली आप लोग प्रीसेट को डाउनलोड करके वन क्लिक में एडिटिंग कर सकते हैं। और फोटो को सेव करने के लिए शेयर के आइकन पर क्लिक करके सेव टू डिवाइस कर दीजिएगा, आपका फोटो गैलरी के अंदर सेव हो जाएगा। तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।